नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बड़ी खबर लेकर आए हैं ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है एक तरफ जहां रिटायर्ड जजों को तोहफा दे रही है मोदी सरकार तो कुछ जज इस पूरे मामले को लेकर खुलकर सरकार के विरोध में आ चुके हैं राम मंदिर विवाद पर फैसला देने वाले पांच जजों को मोदी सरकार कुछ ना कुछ तोहफे दे रही है राज्यसभा भेजा जा रहा है किसी को अध्यक्ष बनाया जा रहा है किसी को राज्यपाल तो किसी को कोई पद दिया जा रहा है और अब रिटायर्ड जजों को केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने सीधी धमकी दी है क्योंकि वह लगातार मोदी सरकार के खिलाफ खुलकर बोल रहे थे दोस्तों आपको बताते रिटायर्ड जजों को केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू की सीधी धमकी बोले ज्युडिशरी और सरकार के बीच पैदा कर रहे हैं गलत अंजाम भुगतने होंगे सीधी खुले तौर पर यहां पर धमकी दी है कानून मंत्री ने रिटायर्ड जजों की जो मोदी सरकार के खिलाफ बोल रहे थे और जो जज मोदी सरकार के पक्ष में बोलते हैं उन्हें कुछ ना कुछ तोहफा दिया जाता है बड़ा पद मिल ही जाता है देख सकते हैं दोस्तों यहां पर ये ब्रेकिंग न्यूज इस समय की बड़ी खबर सामने निकल के आ रही थी आपकी क्या कुछ राय है खबर को लेकर जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने सभी दोस्तों तक इस खबर को जरूर पहुंचाइए वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद